हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत करता हूं नॉर्थ ईस्ट सीरीज के दूसरे वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं भारत के सुदूर पश्चिम में मौजूद मणिपुर राज्य में घूमने की किन्हीं 7 जगहों के बारे में। सबसे पहले बता दें, ये शहर म्यांमार देश के साथ सीमाएं साझा करता है। ये राज्य देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। रेगुलर टूरिस्ट इस राज्य में कम ही जाते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं जिन्हें भीड़ से दूर हरी भरी प्राकृतिक जगहें और कल्चर देखना पसंद होता है। आज के इस वीडियो में मणिपुर राज्य की 7 सबसे खूबसूरत जगहों की बात करने वाले हैं, जहां जाकर आपको दूसरे देशों में घूमने का ख्याल भी नहीं आएगा। सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मणिपुर की सुंदर जगहों के शानदार सफर पर। 7वें नंबर पर हमारी लिस्ट में हमने इस राज्य की राजधानी इम्फाल को रखा है। ये शहर मणिपुर में मौजूद राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो सुंदर पहाड़ों के बीच मौजूद है। दोस्तों, हमारे देश के इस इलाके में हर कुछ किलोमीटर के बाद कल्चर और खान पान में फर्क देखने को मिल जाता है। मणिपुर का इम्फाल शहर भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर आपको इस राज्य के विभिन्न हिस्सों का खान पान और कल्चर एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा एडवेंचर नहीं करना है तो आप केवल इसी शहर को देखकर मणिपुर के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। इस शहर का खाना, भाषा और भी सारी चीजें आपको भारत के दूसरे हिस्सों से अलग मिलेंगी। 6 नंबर पर हमने इम्फाल में मौजूद कांगला पैलेस को रखा है, जो इस शहर में घूमने आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली जगहों में से एक है। इस पैलेस का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था, जो कुछ ही समय में बनकर तैयार हो गया था। इस किले का इस्तेमाल यहाँ के कांगला साम्राज्य पर राज करने के लिए किया जाता था, जो इम्फाल नदी के दोनों तरफ बनाया गया था। आज के समय ये पैलेस इम्फाल नदी के एक तरफ ही मौजूद है, जिसमें से काफी कुछ टूट चुका है, लेकिन यही पैलेस इस शहर की ऐतिहासिक धरोहर है, जो इतिहास पसंद करने वाले लोगों को जरूर पसंद आएगी। 5वें नंबर पर हमारी लिस्ट में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क आता है, जो प्रकृति प्रेमियों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। ये नेशनल पार्क आपको विष्णुपुर जिले में लोकटक लेक के पास देखने को मिलेगा। इस नेशनल पार्क को बनाने का मकसद यहाँ मौजूद हिरणों की प्रजातियों को बचाना था। टूरिस्ट इस नेशनल पार्क में पशु और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। ये नेशनल पार्क आपको राजधानी इम्फाल से 47 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा, जहाँ आप आसानी से टैक्सी लेकर पहुँच सकते हैं। 4th नंबर पर कोई स्पेसिफिक जगह तो नहीं है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शंस में से एक इस राज्य के गांव को माना जा सकता है, क्योंकि ये राज्य कल्चरल डाइवर्सिटी और बेहद ही प्यारे लोगों से भरा पड़ा है। इस राज्य के असली लोग, जिनकी संस्कृति में भारत के दूसरे राज्यों या फिर विदेशी संस्कृति की कोई भी मिलावट नहीं है, आपको यहाँ के गाँव में ही देखने को मिलेंगे। आपने इंटरनेट पर जो सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स देखे हैं, वो चीजें असल में आपको इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगी। 3rd नंबर पर हमारी लिस्ट में ख्यांग पीक आता है, जो मणिपुर की सबसे सुंदर और सबसे ऊंची पहाड़ी चोटियों में टॉप पर आता है। आपको यहां जाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन यहां के व्यूज को देखना बिल्कुल वर्थ इट है। ये चोटी आपको समुद्र तल से 3114 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगी, जहां से आपको चारों तरफ हरियाली और दूर दूर तक फूल पत्तियों से घिरी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। 2nd नंबर पर हमारी लिस्ट में तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आता है, जो मणिपुर की नागा हिल्स में मौजूद सबसे मशहूर और सुंदर शहरों में शामिल है। ये शहर मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 160 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां आपको नदियां, पहाड़, वाटरफॉल्स और घने जंगल देखने को मिलेंगे। इस शहर के साथ साथ आपको यहाँ की हरियाली, पंछियों की मधुर आवाज और प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। 1st नंबर पर हमारी लिस्ट में लोकटक लेक आता है, जिसको देखने के लिए आपको फिर से किबुल लमजाओ नेशनल पार्क जाना होगा, क्योंकि ये झील आपको उसी नेशनल पार्क के किनारे देखने को मिलेगी। वैसे इस झील का एरियल व्यू बेहद ही कमाल का होता है। ऊपर से इस झील में बड़े बड़े हरे गोल चक्कर दिखाई देते हैं, जो घास और पौधों से बने हुए पैटर्न्स हैं। इस झील में आपको फ्लोटिंग होमस्टे भी देखने को मिल जाएंगे, यानी आप पानी पर तैरते हुए यहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। इस झील में ढेर सारे कमल के फूल चारों तरफ दिखाई देते हैं, जो देखने में किसी जन्नत से कम तो नहीं है। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।